कंप्यूटर बेसिक्स फॉर बिगिनर्स क्लास वन। आइए हम कंप्यूटर के डिफरेंट ड्राइव्स और फोल्डर्स की जानकारी आज लेते हैं। हम जहाँ पर हैं इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या हम अपने डेस्क को अव्यवस्थित रखना पसंद करेंगे, अपने टेबल को इस तरह से बिखरा हुआ, कागजों से, फाइल से बिखरा हुआ रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को भी इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पहले राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से सॉर्ट, सॉर्ट बाय नेम या साइज या टाइप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए एक तो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, कोई भी फाइल जब हम बनाते हैं उसको कभी भी डेस्कटॉप पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप सी ड्राइव का हिस्सा है और कंप्यूटर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो डेस्कटॉप पर जो भी फाइल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर है कि हम कंप्यूटर के अंदर DE कोई और ड्राइव, इस कंप्यूटर में अभी एक सी ड्राइव है और एक डी ड्राइव है। डी ड्राइव कंटेंट्स का है और सी ड्राइव प्रोग्राम्स का है, और प्रोग्राम्स में हमें अपनी फाइल्स को स्टोर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और जिनसे रिलेटेड फाइल्स हैं उनको हम वहाँ पर भेज देते हैं। ये फुटबॉल जूनियर की बात हो रही है तो हम इसको टीचर्स की फाइल में भेज दें। और अगर हमें पता नहीं है कि किसकी कौन सी फाइल है तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं। देखिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करती हूँ तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, और इसी सिलेक्शन का एक और तरीका है कंट्रोल और ए, ये भी सारे सेलेक्ट होते हैं, या फिर मैं फर्स्ट को पकड़ करके शिफ्ट दबाते हुए लास्ट को पकड़ लूँ तब भी सेलेक्ट होते हैं, ये फर्स्ट को क्लिक करते हुए बीच में कहीं भी सेलेक्ट करूँ तो वहाँ तक के कंटिन्यूसली सभी सेलेक्ट होते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल फाइल्स को यहाँ से हटाने हैं, फोल्डर्स को नहीं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इंडिविजुअली एक एक को सेलेक्ट करते हैं। तो पहले वाले को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की को दबाते हुए जो जो चाहिए उन्हीं को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं कि बीच में कुछ छूट भी रहे हैं, और ऐसा सिलेक्शन मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सी फाइल किसकी है। तो ये मैंने सभी सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं करूँगी राइट क्लिक और इनको यहाँ से कट। पर कट करके डालेंगे कहाँ, हम अगर एक कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं तो दूसरे की फाइल्स को उड़ाने का कोई हक हमें नहीं है। तो चलिए मैं फिर से राइट क्लिक करके न्यू में जाकर एक फोल्डर बना रही हूँ, और इस फोल्डर का नाम, जब तक ये ब्लू में है सेलेक्टेड है हम सीधे नाम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रही हूँ डेस्कटॉप फाइल्स। और इसको ओपन करके जो मैंने कट किया था वो अभी मेरे क्लिपबोर्ड पर है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे हाथ में है, बस मुझे केवल पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के क्या तरीके हैं, फिर से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स जो यहाँ पर थी पहले वो सब इसके अंदर आ गई है, और इसको क्लोज़ किया मैंने और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था हो गई है, अव्यवस्थित फाइल्स व्यवस्थित हो गए। अभी भी ये इस तरह से बिखरे हुए हैं, हम इनको फिर से राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट बाय नेम अगर करते हैं तो अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज होते हैं। ये हमेशा ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं ये टॉप में रहती है। चलिए अगर हम इसी को सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड करते हैं तो देखिए सबसे लास्ट में जो मॉडिफाई हुआ है वहाँ से लेकर फर्स्ट तक या फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ये जम जाते हैं। हम चाहे जैसे इनको सॉर्ट कर सकते हैं बाय साइज, किस फाइल की साइज़ या किस फोल्डर की साइज़ सबसे ज़्यादा या कम है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जम जाते हैं। तो ये हो गया है डेस्कटॉप को अरेंज करना। अब हम देखते हैं कि ये फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, ड्राइव क्या है। ये बेसिक से ये समझ में आना ही चाहिए।
ये है हमारा मेन ड्राइव, ये दिस पीसी इसके अंदर ही है, जो कुछ भी है इसके अंदर है, ये केवल एक आइकन है बाहर। इसको हम ओपन करें तो देखिए हम क्या क्या देख सकते हैं। जिस मोड में हम इसको देख रहे हैं, इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। ये यहाँ पर हमें सारी फाइल्स दिख रही हैं, और अगर हम अंदर जा कर के जिसको चाहे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर ये फाइल्स अवेलेबल है इस समय, आप खुद भी देख सकते हो। ये डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर इतनी फाइल्स हमारे पास हैं। ये डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में ये फाइल्स हैं हमारे। ये पिक्चर्स, अब ये फाइल्स कहाँ पर हैं, आप जानना चाहते हो कि ये फाइल हाँ है कहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर देखिए इसका पाथ है, माय पीसी या दिस पीसी, उसमें से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में से डेस्कटॉप फाइल्स यानी कि ये, और उसके अंदर ये, किसी भी फाइल या फोल्डर का पाथ आपको यहाँ पर मिलता है, राइट। अब हम फिर से बात करते हैं ड्राइव्स की। पीसी में जाते हैं तो ये आपको ड्राइव्स के आइकन्स नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस कंप्यूटर में तीन ड्राइव हैं, एक तो लोकल ड्राइव, इसका हमेशा नाम होता है सी, और ये प्रोग्राम फाइल्स होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारा कंप्यूटर का वर्किंग इस पर डिपेंड करता है, और इसमें आपको ना कोई कभी फाइल्स अपने स्टोर करने चाहिए, सारे फाइल्स आपको दूसरी ड्राइव्स में स्टोर करने चाहिए। यहाँ पर कंटेंट्स के नाम से एक ड्राइव बना है, सी के बाद आता है डी का नाम। अगर किसी किसी कंप्यूटर में डी ई एफ एस बाइफर्केटेड ड्राइव्स होते हैं, तो आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक ड्राइव ऑफिस के लिए, एक ड्राइव पिक्चर्स के लिए, एक ड्राइव होम डॉक्यूमेंट्स के लिए, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही ड्राइव है जहाँ पर अपन सारे कंटेंट्स रखने वाले हैं। ये जो एक और ड्राइव दिख रहा है, ये डीवीडी ड्राइव है, इसमें हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक सीडी या डीवीडी इस ड्राइव में इंसर्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पर वो जैसे ही आप उस सीडी या डीवीडी को इस कंप्यूटर से बाहर करेंगे तो वहाँ के कंटेंट्स आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अभी खाली है, इंसर्ट ए डिस्क का मैसेज मिल रहा है, जब हम इसमें डिस्क इंसर्ट करेंगे तभी वो चलेगा। तो हमारे पास अभी फाइल स्टोरिंग के लिए इस कंप्यूटर में केवल और केवल एक ड्राइव है। तो हम कैसे फिर एक ही ड्राइव में सब कुछ कैसे स्टोर करें, चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें हमने क्या किया, फोल्डर्स बना लिए। ड्राइव्स हम नहीं बना सकते हैं तो फोल्डर्स तो बना ही सकते हैं। अब ये फोल्डर्स हैं तो इनके इस तरह के पिक्चर्स क्यों हैं, दूसरे कंप्यूटर में ऐसे क्यों नहीं दिखते हैं? ये हैं आइकन्स को हमने कस्टमाइज़ किया है इसलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नया फोल्डर अगर मुझे बनाना है, मुझे इनमें से कहीं अपनी फाइल नहीं रखनी है, तो मैं क्या करूं? यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं फाइल में जाऊं, न्यू फोल्डर बनाने का मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पर होम में जाऊं और न्यू फोल्डर पर क्लिक करूं, तो ये देखिए मेरा न्यू फोल्डर बन गया है, और इस पर मैं कोई नाम दे सकती हूँ जैसे प्राइमरी, ठीक है। पर इस न्यू फोल्डर को बनाने का एक और तरीका भी है, हमें कहीं होम में या व्यू में कहीं और नहीं जाना है, खाली जगह ढूंढ करके राइट क्लिक करना है और यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू से फोल्डर, ऐसे भी फोल्डर बन जाता है। तो ये मैं यहाँ क्लास 9th का फोल्डर बना रही हूँ, राइट। अब इस फोल्डर में और इस फोल्डर में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो कैसे, क्योंकि इसके आइकन को हमने कस्टमाइज़ किया और इसको नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट आइकन है। चलिए इसको भी हम कर सकते हैं, क्या देखते हैं। इस पर हम राइट क्लिक करें और इसके हम जाएं प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में जा कर के हम यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको कुछ नई नई दिख रही है उन सबको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है। ये कस्टमाइज़ पे क्लिक किया मैंने और चेंज आइकन यहाँ पर देखिए,
और इनमें से जो भी मुझे अच्छा लगे एक आइकन में सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये लीजिए, इतने सारे आइकन्स हमारे पास हैं। चलो, अगर मुझे सॉन्ग्स के लिए फोल्डर बनाना है तो ये म्यूज़िक का आइकन लगाकर मैंने ओके कर दिया और इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, वो जो प्राइमरी नाम का फोल्डर पहले येलो कलर में यहाँ पर था, ये आइकन के साथ आ गया है। ये फोल्डर कस्टमाइजेशन है, नया फोल्डर क्रिएट करना है, उसको एक अपने मन चाहे आइकन से डेकोरेट करना है। ये एक और फोल्डर, अगर हमें कोई फोल्डर आवश्यक नहीं लगता है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, ये फोल्डर यहाँ से गायब हो गया है। तो इस लेसन में हमने क्या देखा है कि कंप्यूटर के मेन पीसी को कैसे खोलेंगे, पीसी को खोलेंगे और इसमें किस ड्राइव में स्टोर करना है और उस ड्राइव में कैसे अपने लिए एक स्वयं का फोल्डर बनाना है राइट क्लिक करके, और चाहे तो उसको कैसे कस्टमाइज़ करना है, उसका कोई अपने मनपसंद आइकन से सजाना है और उसमें हमारी फाइल्स को स्टोर करना है। पर फाइल्स को स्टोर करने का लेसन हमारा अभी नहीं है, ये नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे फाइल्स को कैसे स्टोर करते हैं। तो चलिए, आज यहीं रुकते हैं।